आदानी पोर्टफोलियोर उत्साहजनक प्रदर्शन एबीआईटीडीए गत वर्ष तुलनारे त्रैमासिक लाभरे 42% अभिवृद्धि सह 23,532 कोटी रे पहुंचिछि। आदानी ग्रुप्र पोर्टफोलियोर तालिकाभुक्त कंपानीगुड़िक पक्षर 2024 आर्थिक वर्षर जून क्वार्टर फलाफल प्रकाश पाई। लगातार आदानी पोर्टफोलियो कंपानीगुड़िक आखिदृशिया प्रदर्शन करिछन्ति। आदानी ग्रुप्र इनफ्रास्ट्रक्चर एवं यूटिलिटी प्लाटफर्म जहाँ स्थिर रहिबा सह कैश फ्लो सुनिश्चित करिछि। एहा मोट पोर्टफोलियो ईबीआईटीडीएर 86% रहिछि एवं 20,233 कोटी टंकारे पहुँचिछि। एहा ग्रुप को एक उच्चस्तरीय स्थिरता प्रदान करिछि। जून 2023 शेष सुधा कैश बैलेंस 42,115 कोटी रहिछि जहाँ गोटे क्वार्टर पूर्वरु 4.2% अधिक। आदानी एंटरप्राइजेस तार सफलता बजाय रखिछि। एहार एयरपोर्ट ग्रीन हाइड्रोजन एवं अन्य व्यवसाय गत वर्ष तुलनारे पाखापाखि 2 गुण लाभ देइछि जहार ईबीआईटीडीए 1,718 कोटी रहिछि। एही व्यवसाय ग्रुप्र पोर्टफोलियो ईबीआईटीडीए रे 7% योगदान रहिछि। उत्साहजनक पोर्टफोलियो प्रदर्शन तालिकारे प्रथमे रहिछि आदानी ग्रीन अधीनरे आसुथिबा रिन्यूएबल पावर व्यवसाय, आदानी एंटरप्राइजेस अधीनरे आसुथिबा इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय एवं आदानी सीमेंट अधीनरे आसुथिबा सीमेंट व्यवसाय। आदानी ग्रुप पक्षरु प्रकाशित रिपोर्टरे ईबीआईटीडीए 2,200 कोटी टंकारे रहिछि जहाँ गत वर्ष तुलनारे 66% अधिक। एहार परिचालना क्षमता 23% वृद्धि पाई 8,316 मेगावाट्रे पहुँचिछि। उत्पादन खर्चरे नियंत्रण जोगु सीमेंट व्यवसाय प्रदर्शन उत्साहजनक रहिछि। टन प्रति ईबीआईटीडीए 1,253 टंका कु वृद्धि पाइछि। एहा जून 22 क्वार्टर रे 888 एवं मार्च 23 क्वार्टर रे 1,079 रहिथिला। सीमेंट व्यवसाय ईबीआईटीडीए 54% वृद्धि पाइबा सह 1,935 कोटी रे पहुँचिछि। आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड एयरपोर्ट व्यवसाय रे गत आर्थिक वर्षर प्रथम क्वार्टर तुलनारे 27% अभिवृद्धि। यात्री संख्या 21.3 मिलियन रे पहुँचिछि। सड़क निर्माण रे अतिरिक्त 79.8 लेन किलोमीटर निर्माण कराइछि। सोलार मॉड्यूल वॉल्यूम रे 87% अभिवृद्धि सह 614 मेगावाट रे पहुँचिछि। डाटा सेंटर व्यवसाय चेन्नई रे 17 मेगावाट डाटा सेंटर पूर्ण कार्यक्षम होइछि। माइनिंग सर्विस उत्तोलन क्षमता 6.3 मिलियन मेट्रिक टन कु वृद्धि पाइछि। आदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड परिचालना क्षमता 23% वृद्धि पाई 8,316 मेगावाट रे पहुँचिछि। एथिरे 1,750 मेगावाट सोलार विंड हाइब्रिड, 212 मेगावाट सोलार एवं 554 मेगावाट विंड पावर प्लांट अंतर्भुक्त। सोलार पोर्टफोलियो क्षमता व्यवहार रे 40 बेसिस पॉइंट बढ़िछि। यहाँ गत वर्ष तुलनारे 26.9% अधिक। विंड पोर्टफोलियो क्षमतार व्यवहार रे 830 बेसिस पॉइंट वृद्धि पाइछि। यहाँ गत वर्ष तुलनारे 38.7% अधिक। हाइब्रिड पोर्टफोलियो क्षमतार व्यवहार रे 47.2% बढ़िछि। आदानी एनर्जी सल्यूशन आदानी ट्रांसमिशन नेटवर्क 19,778 सर्किट किलोमीटर कु वृद्धि पाइछि जेउथिरे नुआ 550 सर्किट किलोमीटर जोग होइछि। यूनिट बिक्री रे 7.61% वृद्धि हेबा सह एहा 2,754 मिलियन यूनिट रे पहुँचिछि। तीनिटी स्मार्ट मीटर प्रकल्प पाई आंध्रप्रदेश सरकारक निकटरु लेटर ऑफ एग्रीमेंट मिलिछि जेउथिरे 9 मिलियन उपभोक्ताक घरे स्मार्ट मीटर लागिब। आदानी गैस नुआ 7 सीएनजी स्टेशन सह एही संख्या मोट 467 कु वृद्धि पाइछि। देशर विभिन्न स्थान रे 141 वी चार्जिंग पॉइंट खोला जाइछि। पीएनजी उपभोक्ताक संख्या 1.24 लाख वृद्धि होइछि। 7 लाख रु अधिक घरे पीएनजी गैस सेवा पहुँचि पारिछि। सीएनजी वॉल्यूम गत वर्ष तुलनारे 18% वृद्धि पाइछि। सीएनजी दर रे ह्रास एवं नेटवर्क वृद्धि जोगु एहा संभव होइछि। आदानी पोर्ट एंड एसीजेड कौनसी एक क्वार्टर रे सर्वाधिक 101.4 मिलियन कार्गो परिवहन रेकर्ड। गत वर्ष तुलनारे
12% ବୃଦ୍ଧି। ମାର୍କେଟ ସେୟାରରେ 200 basis points ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ 26% ବୃଦ୍ଧି। ଘରୋଇ କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ 8% ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ମିଆଁମାର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି ଏବଂ କରାଇକେଲ ପୋର୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ $130 million ଟେଣ୍ଡର। ଆଦାନୀ ପାୱାର ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଡ଼ା ଅଲ୍ଟ୍ରା ସୁପର କ୍ରିଟିକାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟର 2 ୟୁନିଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଏଥିରୁ 1600 MW ବିଜୁଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ବିକ୍ରୟ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 7% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଏହା 17.49 million ୟୁନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କନ୍ସୋଲିଡେଟେଡ୍ PLF 60.1% ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ 58.6% ଥିଲା। ଆଦାନୀ ୱିଲମାର ଉତ୍ପାଦନ 1.49 million ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 25% ବଢ଼ିଛି। ଫୁଡ୍ ଏବଂ FMCG ବର୍ଗରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 28% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ 1100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ରାଜସ୍ୱ ମିଳିଛି। ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ତୁଳନାରେ ବିକ୍ରି ପରିମାଣ 9% ବଢ଼ିଛି, ଯାହାକି 15.4 million ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଟନ୍ ପ୍ରତି EBITDA 16% ବଢ଼ିବା ସହ ଏହା 1253 ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା। ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତିକି ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସପିଂ ଏବଂ ରେଳ ସହ ରିସୋର୍ସେସ୍, ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ, ରିନ୍ୟୁବଲ୍ ଏନର୍ଜି, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆଗ୍ରୋ, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।